रुबमा कभी कभी, और रुबमा का लफ्ज अक्सर के लिए भी आता है, बहुत वक्त, अक्सर औकात। यवद्दू आरजू करते हैं या करेंगे, मुजारे है जिसमें दोनों माने पाए जाते हैं। आरजू करेंगे, चाहेंगे, तमन्ना करेंगे या करते हैं, कौन, अल्लज़ीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, क्या तमन्ना करते हैं, लव कानू मुस्लिमीन, काश वो मुसलमान होते। अगर हाल के माने में लिया जाए कि वो तमन्ना करते हैं, उनके दिल में भी आता है कि वो मुसलमान होते, तो ये उस सूरत में जब वो इस दुनिया में इस्लाम का कोई फायदा देखते, या मुसलमानों के अंदर मुश्किलात के बावजूद पाया जाने वाला इत्मीनान कल्ब देखते, तो उस वक्त उनका दिल चाहता है कि वो भी मुसलमान होते। लेकिन फिर दुनिया की रौनक, जीनत, ख्वाहिशात मगलूब कर लेती। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जरूर ये तमन्ना करेंगे, ख्वाहिश करेंगे इन फ्यूचर कि काश वो मुसलमान होते। वो कौन सा वक्त है, मसलन मौत के वक्त, खा वो अपनी तबई मौत मरे या क़यामत के दिन दुनिया से रुखसत हो। सूरत अल-अनआम आयत 31 में आता है, हत्ता इज़ा जाअतहुम अस-सा'तु बग़्ततन, यहां तक के जब उनके पास क़यामत अचानक आ जाएगी, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها, कहेंगे हाय अफसोस हम पर जो भी हमने इसमें कभी की, यानी दुनिया में जो कुछ हमने कोताही की। तो फिर माजी उनके लिए हसरतें बन जाएगा, रिग्रेट्स होंगी। इसी तरह मौत के वक्त जब मौत के फरिश्ते नजर आएंगे तो हकीकत खुल जाएगी, और उस वक्त वो तमन्ना करेंगे काश हम ईमान वाले होते। फिर इसी तरह अगले तो सारे मरहले फिर है ही हसरत के, जैसे कब्र में, या फिर क़यामत के दिन अपना अंजाम देखकर, यानी जहन्नम में जाते हुए, खुसूसन जब वो मुसलमानों को जन्नत की तरफ जाते हुए देखेंगे तो उस वक्त उन्हें हसरत होगी। या फिर ये कि बाज़ मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से या अपने गुनाह भुगतने के बाद जहन्नम से निकाले जाएंगे, तो उस वक्त कुफार ये तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते तो आज इस आग से निकाल लिए जाते, क्योंकि आग में हमेशगी उस शख्स के लिए है जो अल्लाह पर ईमान ना रखता हो, जो बिलीवर ना हो। बाकी अगर कोई शख्स बिलीवर है, मोमिन है, मुस्लिम है, लेकिन इसके साथ उसने कुछ ऐसे गुनाह भी किए हैं कि जिनकी वजह से उसे सजा के तौर पर जहन्नम में भेजा गया, तो बिल आखिर उसे वहां से निकाला जाएगा। जब वो निकाले जा रहे होंगे तो इनकी हसरतें और बढ़ जाएंगी कि काश हम भी कलमा तो पढ़ लेते तो आज यहां से निकल जाते। सूरत अल फुरकान 27 में आता है, यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैही, क़यामत के दिन जालिम अपने दोनों हाथों पे काटेगा हसरत और नदामत की वजह से। यकूलु कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीला, ऐ काश मैंने रसूल के साथ रास्ता बनाया होता, रसूल का साथ दिया होता। बात यह है कि दुनिया में इंसान को जो आजादी मिली है अपनी मर्जी करने की, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, खा शुक्र गुजार बने या ना शुक्रा बने, खा ईमान लाए या ना ईमान लाए, तो इंसान समझता है कि वो इस आजादी से फायदा उठाकर बहुत मौज कर रहा है, या फिर ये आजादी उसकी हमेशा के लिए बाकी रहेगी। हालांकि ये आजादी लिमिटेड पीरियड के लिए और बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और फिर जितनी आजादी है भी, जितने दिन के लिए, जितने साल के लिए, वो भी दरअसल इम्तिहान के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है कि इस आजादी से फायदा उठाकर इंसान अपनी मनमानी शुरू कर दे। ये तो इसलिए दी गई है कि इंसान अपनी मर्जी से अच्छाई को चूज करे। लेकिन उमूमी तौर पर इंसान का हाल क्या है कि दुनिया की जाहरी रौनक, जेब व जीनत देखकर वो आखिरत को भूल जाता है, वो कल की फिक्र छोड़ देता है, वो सिर्फ आज में जीता है, लेकिन ये आज तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
जब ये आज खत्म होगा, जैसे हर रोज हमारा आज खत्म हो जाता है, हर आज कल बन जाता है, तो इसी तरह ये जिंदगी जो आज हमें मिली है ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी कल बन जाएगी। तो फिर उस वक्त जब मौत के फरिश्ते इंसान की आजादी आके खत्म कर देते हैं और मौत उसको दबोच लेती है, तो उस वक्त इंसान फिर सिर्फ हसरतें करता रह जाता है और ये तमन्ना करता है कि काश वो भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करता। मुस्लिमीन कौन होते हैं? मुस्लिम की जमा, और मुस्लिम फरमाबरदार, इताअत गुजार, जो अल्लाह के लिए ओबीडियंट हो।